पार्ट दो मानव निर्मित वस्तुएँ लर्निंग आउटकम पहला बच्चे मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बना लेते हैं दूसरा लर्निंग आउटकम बच्चे संश्लेषित रेशों के प्रयोग द्वारा पहचान कर इनके नाम बता लेते हैं बच्चों सभ्यता के विकास के साथ साथ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और वैज्ञानिक प्रगति हुई इसके कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे पड़ती गईं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों से असंभव हो गया इसलिए मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कौशल से अनेक वस्तुएं बनाई इन्हें ही मानव निर्मित वस्तुएं कहा जाता है हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की मानव निर्मित वस्तुओं को उपयोग करते हैं जैसे पहनने के लिए कपड़े मकान बनाने के लिए सीमेंट ईट सरिया घरेलू कामों के लिए साबुन पेंट बाल्टी बिजली का सामान कृषि के कामों के लिए हसिया, खुरपी फावड़ा और विभिन्न प्रकार की दवाएं। ये सब मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं सबसे पहले हम आपको कपड़े के बारे में बताएंगे। कपड़े दो प्रकार के होते हैं एक प्राकृतिक जो हमें पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं जैसे कपास इससे हमें सूती कपड़ा मिलता है जबकि पहाड़ी बकरी ऊंट आदि से हमें ऊनी कपड़ा मिलता है रेशम के कीट से हमें रेशम प्राप्त होता है परंतु कुछ कपड़े मानव निर्मित यानी मानव बनाता है जैसे नायलॉन पॉलिस्टर डेक्रॉन रेन ये सब मानव निर्मित कपड़े या रेशे कहलाते हैं इन्हें संश्लेषित रेशे भी कहा जाता है संश्लेषित रेशे उच्च अड़ुभार वाले बहुलक यौगिक होते हैं ये सूती कपड़ों की तुलना में अधिक आकर्षक होते हैं जल्दी सूख जाते हैं मजबूत व टिकाऊ होते हैं तथा इन्हें प्रेस करने की आवश्यकता भी नहीं होती अभ्यास प्रश्न रेयन है प्राकृतिक रेशे या मानव निर्मित रेशे प्रश्न नंबर दो बाल्टी हसिया, बिजली का सामान दवाएं आदि हैं प्राकृतिक वस्तुएं या मानव निर्मित वस्तुएँ